क्या सच में अल्पेश यादव को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, या ये खबर जैसा कि अल्पेश के फैंस दावा कर रहे हैं ये पूरी तरह से फेक है, फैब्रिकेटेड है? इस बात का सही जवाब जो है वो दे सकता है कोई, तो वो है राजस्थान पुलिस। अल्पेश यादव की तस्वीरें पुलिस वालों के साथ निकलकर आई, तमाम टीवी चैनल तमाम अखबारों ने इस खबर को छापा। पहले खबर छपी कि अल्पेश यादव को नोएडा कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया, और कोटा में वो लोकेशन नहीं बताई गई जहां से उन्हें गिरफ्तार करने की बात आई, रामकुंज सुकेत इलाका। इसके बाद खबर आई कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, फिर खबर आई कि जी गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था, ये खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन सच्चाई क्या है? तो गुरु सच्चाई कहानी जो निकलकर आई है वो ये आई है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट राजस्थान पुलिस का, कि राजस्थान पुलिस इलेक्शन के चलते गश्त कर रही थी, एक गाड़ी को रोका जिसमें तीन चार लड़के सवार थे, उसमें सवाल जवाब किया, पता लगा एक लड़का है जिसका नाम अल्पेश यादव है, उनसे सवाल जवाब किया गया, पूछा गया क्योंकि लगातार नोएडा से खबरें आ रही थी उन्हें गिरफ्तारी को लेकर कि नोएडा पुलिस ढूंढ रही है उन्हें, फिर इन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई या उनसे बातचीत की गई, जो उनके फैंस कह रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं। बाद में यूपी पुलिस को फोन लगाया गया कि क्या करें जी, इनको आपको हैंडओवर कर दी, यूपी पुलिस ने कहा कि वांटेड नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, अब यूपी पुलिस फ्यूचर में उन्हें गिरफ्तार करती हो अलग कहानी, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी की खबर नहीं थी, यहां रोका गया, पूछा गया।